आज जो है हम अपना 8th लेक्चर जो है वो होगा एक बड़े अच्छे से इंडिकेटर के बारे में। काफ़ी लोगों को जो है कन्फ्यूजन रहती है कि इंडिकेटर कभी कुछ इंडिकेट करा होता है, सर आप जब बताते हैं तो बिल्कुल चीज़ समझ आती है, लेकिन जब हम खुद जाके कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है बड़ा मसला हो रहा होता है। तो बेसिकली आई एम गोना शो यू कि मतलब इंडिकेटर्स जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो उससे पहले सबसे पहले ये बात समझ लें कि देखें अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिकेटर यूज़ करें, लेकिन इंडिकेटर पे अपनी स्ट्रेटजी ना बनाएं। टेक्निकल एनालिसिस का यही बात होती है जो इंसान को स्ट्रांग करती है कि हम जो बेसिकली अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं वो इंडिकेटर को देख के नहीं बना रहे होते, हम अपना जो एनालिसिस होता है उसको मजबूत कर रहे होते हैं, एक तरीके से रिकन्फर्मेशन कर रहे होते हैं अपनी जो है इंडिकेटर्स को यूज़ करके, उनकी जो भी एक रिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं उसको देख के। तो यही वजूहत होती हैं कि हम पूरा एनालिसिस के बाद जो है उसको रिकन्फर्म करते हैं। एंड आई एम गोना टीच यू गाइस हाउ टू डू द टेक्निकल एनालिसिस के किस तरीके से जनवरी में बैठ के हम चीज़ें बताते हैं जो अप्रैल माह के सही हो रही होती हैं, रिगार्डिंग द ईथर जो मैंने अर्ली जनवरी में दिया था कि 15 मिड ऑफ द अप्रैल में जाके जो है वो लाइक $2,500 को टच करेगा, जब ईथर जो है हार्डली 1,500 भी क्रॉस उसने नहीं किया था। तो कोई उसके पीछे कैलकुलेशंस होती हैं, कोई वजूहात होती हैं जिसके बुनियाद पे हम ये बातें करते हैं। तो वील गोना लर्न अबाउट दैट सून इंशाल्लाह। सो बेसिक इंडिकेटर के बारे में मैं चीज़ बता चुका हूँ रिगार्डिंग आपका जो है ट्रिपल मूविंग एवरेज और MACD, मैं बता चुका हूँ काफ़ी सारे अपने लाइव वीडियोस में। आज हम थोड़ा मूव ऑन करते हैं दूसरे की तरफ जिसका नाम है पैराबॉलिक SAR, विच इज़ द रियली गुड इंडिकेटर, जो कि आपको जो है एक तरीके से वो कहते हैं कि इंडिकेट कर रहा होता है कि कब मुझे मार्केट में एंटर होना है बड़ा क्लियरली और कब जो है मुझे एग्जिट होना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें काफ़ी नॉइस के इश्यूज होते हैं। नॉइस बोलते हैं इंडिकेटर्स के लिए कि आपको फॉल्स सिग्नल जो है मिल रहा होता है मार्केट में, तो उससे कैसे बचा जाए और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पैराबॉलिक SAR। सो हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, हम इधर SAR जाके सर्च करेंगे एंड वी विल गोना यूज़ दैट CM पैराबॉलिक SAR बाय क्रिस मूडी। ओके ये वाला हम इंडिकेटर इसको लगा दें, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली आपको रिवर्सल के जो है ना पॉइंट्स वगैरह बता रहा होता है कि मार्केट जब भी है वो बुलिश या उसमें बेयरिश उसमें होती है, तो वो रिवर्सल आपको दिखा रहा होता है कि पैराबॉलिक रिवर्सल उसका बेसिकली क्या है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द 1 मिनट चार्ट। ये छोटे उसमें यूज़ नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 सेकंड के चार्ट में यूज़ करूँ तो मार्केट जो है काफ़ी फास्ट मूव कर रही होती है, तो इस पर जो है ना काफ़ी एक तरीके से फॉल्स सिग्नल मिल जाते हैं। तो मिनिमम 1 मिनट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्काल्पिंग के लिए। स्काल्पिंग बेसिकली जो न्यूबीज हैं उनको मैं बताता चलूँ, स्काल्पिंग वो होती है कि हम छोटा छोटा प्रॉफिट जो है किस तरीके से निकालते हैं छोटी छोटी ट्रेड्स करके। मीन्स मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया, इधर एंट्री ली, इधर एग्ज़िट किया, और अपना प्रॉफिट जो है मैंने कुछ ही मिनट्स में मैं निकालता रहा। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी, यू हैव टू स्टडी द मार्केट फॉर दैट एंड यू हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपके इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, क्या मामला हो रहे हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट। तो स्काल्पिंग के लिए जो है ना थोड़ा जिगर चाहिए, तो इट्स नॉट दैट फास्ट जो मतलब हम थोड़े एक्सपर्ट लेवल पे आके कर सकते हैं। तो न्यूबीज़ के लिए या जो एमेचर्स हैं उनके लिए ये होता है कि आप स्काल्पिंग अगर करते हैं तो दिन में 2 या 3 ट्रेड्स आप लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं, ओवर ट्रेडिंग भी जो है कभी कभार मसला कर देती है। सो एनी वेज मूविंग टूवर्ड्स द इंडिकेटर, इसकी तरफ हम आ जाते हैं। ये बेसिकली आपको बाइंस इसकी जो सेटिंग्स होती हैं ये मैं कुछ इसमें आपको बता दूं कि इसमें मल्टीप्लाइड बाय 0.1 होता है, इसको बेशक आप 3 भी कर देते हैं इट्स टोटली फाइन, बट 2 जो है थोड़ा सही रहता है। तो आई वुड गो फॉर 2। स्टेप सेटिंग सेंसिटिविटी भी इसकी जो है थोड़ी सी वो हो जाती है, तो ये कम रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लाइक 1 की अगर इसकी सेटिंग कर दें और मैक्सिमम इसमें आप इस पे अगर कर देते हो 4 अगर कर देते हो तो दैट वुड बी फाइन, बट 3 सही है। सो 2, 1, 3 इज़ द ये सारा आपका होगा। देन स्टाइल इसकी सेम, बुलिश के लिए ग्रीन एंड बेरिश के लिए रेड, एंड यू आर गोना क्लिक ओके ऑन दैट। सो अब आप लाइव मार्केट में जो है किस तरीके से इसको देखेंगे,
अब लेट सपोज जस्ट फोकस ऑन दिस एरिया, ठीक है? आपकी मार्केट अभी स्टार्ट होती है, आप अभी देख रहे हैं कि मार्केट अभी नीचे जा रही है, वो रेड आपको वो दिखा रहे हैं सारे, देन उसने आपको 1 मिनट के इसमें ग्रीन का सिग्नल दिया, ठीक है? नाउ यू हैव टू वेट फॉर द सेकेंडरी सिग्नल के अगर ये ऊपर जा रहा है, मीन्स के मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि एक एक डॉट इस तरीके से बना और दूसरा डॉट बराबर में नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर जा रहा है, देन यू हैव टू बाय एट दिस पॉइंट। सो मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि आपने फॉर सपोज अगर मार्केट यहाँ पे थी 50,729 पे, ओके, जस्ट फोकस ऑन द ग्रीन वन, देन मार्केट 50,758 पे चली गई, आपने यहाँ पे इसको बाय कर लिया। बाय द वे ये 1 मिनट की कैंडल है, तो ये बेसिकली 50,783 और लोएस्ट इसका रहा है 50,729, तो इस दरमियान में आपने जहाँ भी बाई किया आपने इसको बाई कर लिया, देन आप आगे गए, मार्केट ऊपर चले गए 783 पे, स्टिल आपके जो ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये इंक्रीज ही हो, मतलब हो रहे हैं इस तरीके से, देन आपने और थोड़ा वेट किया, ओके, इट्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड, ओके ओके, खैर एनीवेज आपने थोड़ा इसको जो है मतलब मार्केट को और आगे की तरफ आप लेके गए, मार्केट थोड़ी सी बेरिश हुई, देन यू जस्ट वेटेड 50,763, 50,769 तक, देन 92, देन 77, इस तरीके से ये मार्केट आपकी ऊपर जा रही है एंड यू जस्ट कीप होल्डिंग दैट। तो आप आगे फिर इसको बेचेंगे कहाँ पे? आप आगे इसको बेचेंगे जब आपकी कैंडल स्टिक्स का जो गैप है आपके डॉट्स के साथ करीब होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये काफ़ी जो है दूर था, यू कैन सी हेयर कि यहाँ से काफ़ी इसका दूर था, देन उसके बाद डॉट तो ऊपर बढ़ा लेकिन एक ग्रीन रेड कैंडल स्टिक बनी, एक और बनी, अब ये गैप कम हो गया, ये थोड़ी स्टेबलाइज होने की आ रही है, आप यहाँ पे सेल कर दोगे। सो दैट्स 50,894 और आपने एंट्री ली थी 50,761 पे, तो दैट्स ऑलमोस्ट 100 पिप्स ऑफ द प्रॉफिट और आप यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाओगे। ट्रेडिंग किस उस पर करी जाए, स्पॉट पे करी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, एंड गो बैक एंड चेक द बेसिकली इसकी बैक टेस्टिंग करके जाके देखेंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है। बैक टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि हम जाके बस इसी तरीके से जो मैंने करके दिखाया इसी को बैक टेस्टिंग बोलते हैं कि मैंने हिस्टोरिकल डेटा मैं खोल के मैं बस चेक करूँ कि ठीक है इसने इतना प्रॉफिट दिया था, 4,921 पे इसने ग्रीन सिग्नल दिया, देन मार्केट थोड़ी सी नीचे आई फिर देन ऊपर गई, मैंने 334 पे बाई किया, 366, 78, 58, 23, देन यहाँ पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ अगर मैं इस तरीके से, और मैं इसको यहाँ पे अगर सेल करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 100 पिप्स का जो है प्रॉफिट अगेन इसका है। सो दैट्स हाउ यू यूज़ द पैराबोलिक सार बेसिकली, और ये इस तरीके से काम करता है। तो डोंट 100% रिलाय ऑन दिस इंडिकेटर, इसको अगर मैकडी के साथ यूज़ करें या ट्रिपल मूविंग एवरेज के साथ यूज़ करें तो स्टिल वो ज़्यादा बेहतर आपको जो है क्लियर पिक्चर दे सकता है।